अब फुल दी है और 100 को टच कर गई। मेरा ब्रेकअप हुआ ना, तो समझ लो ब्रेकअप हुआ ना, तो इतना मुझे दुख इस बंदे की पूरी वाइफ है अपनी। तो हाँ, तो भाई यार बहनों कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और क्रेजी वीडियो में। तो भाई अपना मैंने KTM खड़ा दिया है अपने ब्रदर के पास और उसका बुलेट उठा लिया और ठीक है, BS6 मॉडल क्लासिक ब्लैक एडिशन। और भाई इसकी थोड़ा थोड़ा सा भी हिसाब नहीं है और बाइक तो ज़्यादा नहीं चली, नहीं है बाइक 5800 मतलब 60 किलोमीटर, ठीक है, तो इतनी सी चली है, मतलब नहीं है बाइक, कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। और यस, दोनों ब्रेक इसकी टाइट है यार, इतनी तो मुझे थोड़ी सी दबा कर रखने की तो आदत होती है मेरे ड्यूक पे, मतलब कि जैसे कि ग्रिप बनी रहे, लेकिन इसके तो टच करती सार ब्रेक लगने लग जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, पहले वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी, अभी देख ही सकते हो हैंडल बिल्कुल ही स्मूथ है और जैसे वो वाइब्रेट करता है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल स्मूथ चल रही है, 60 की स्पीड पे है बाइक। तो मेरे ड्यूक में है क्योंकि उसकी साउंड और एग्जॉस्ट सिस्टम के कारण भी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी जा रहे हैं घर और अराउंड ऐसा समझ लो 50-60 किलोमीटर है आराम से, बाकी पता नहीं है 50 किलोमीटर होगा। तो 50 किलोमीटर का व्लॉग बनाते हैं और थोड़ा सा इसे चलाता हूँ। तो मेरे वाली बाइक का एक पोल्यूशन वाला भी बनने से रहता था, 6 महीने का बनाते हैं, पता भी नहीं चलता 6 महीने कब चले गए। और ये भाई देखो सेट हो रहे हैं सड़क के बीच में रोक कर, साइड पे लगा लो यार। तो भाई 80 की स्पीड पे बड़ी मस्त चल रही है बाइक। हाँ वैसे ये अगर मैं KTM चला रहा होता तो 100 की स्पीड उस पर अच्छी लगती है, लेकिन इसकी तो 80 ठीक है, ये सेंटर में होती है, ये सुई सी तो काफ़ी सही है, मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद बुलेट चला रहा हूँ हाईवे पे। अरे इन्होंने बुलेट में कंफर्ट बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही नहीं है कि मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने और बाइक्स भी चलाई हैं तो उसके मुकाबले में यस कम्फर्ट इंक्रीज़ हो गया। तो जिन्होंने साउंड वगैरह वाला करने है वो तो भाई शॉर्ट मॉडल का ट्राई करना, क्योंकि इसमें पिच ज़्यादा होती है और एकदम से साउंड निकलती है। तो जो लॉन्ग होता है थोड़ा सा साइलेंसर, वो उसमें थंब होती है और उसके बाद वो शार्क वगैरह आ जाते हैं, तो उनमें तो बेस होती है सारी भा 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 भा। जैसे कि ऐसे प्रोजेक्ट काम करता है ड्यूक का, जैसे कि ड्यूक में तो काफ़ी ज़्यादा पिच होती है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में उसकी पिच का तो पता ही नहीं लगता, बेस ही रह जाती है। बाकी अगर आप उसे कंट्रोल करोगे सही तरीके से उसकी साउंड को, तो बहुत ही अच्छी ऐसे प्रोजेक्ट में से साउंड निकलेगी ड्यूक के साथ, RC का नहीं मैं कहूँगा, ड्यूक के साथ। वैसे तो इंजन वगैरह तो इनके सेम ही है, लेकिन वो साउंड ड्यूक को जचती है 80 प्रोजेक्ट की, RC को थोड़ी सी कम, बेस वाली जो कह रहा हूँ मैं। ओके, तो इसमें फ्यूल तो आया, मैंने जब बाइक को स्टार्ट किया तब देखा था टैंक फुल ही पड़ा मेरे हिसाब से, साइड स्टैंड डाउन था, लेकिन फिर भी अगर ढक्कन तक तेल आ रहा मतलब ये टैंक फुल है। यस ये बात तो है भाई, जो ड्यूक के साथ हमें रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो बुलेट के साथ नहीं है, रीज़न बिकॉज पंजाब में बुलेट कॉमन हो चुकी है। लेकिन हाँ, BS4 और BS6 का फ़र्क रहेगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिकॉज इसमें ECU आ चुका है, फ्यूल इंजेक्शन, ECU तो होगा अगर फ्यूल इंजेक्शन है, तो इसकी पिकअप भी ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़े गियर में है। यस, और देखो वो बड़ी सही उठ रही है और मैंने इतनी अभी रेस भी नहीं दी, अब फुल दी है और 100 को टच कर गई। तो बहुत ही ज़्यादा सही चल रही है बाइक, यस कोई शक नहीं है, पहले से ज़्यादा तो इसकी पिकअप इंक्रीज़ हो चुकी है, नहीं तो 100 को टच करते हुए 5th गियर में बाइक की जान निकल जाती थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जिन जो बुलेट लवर्स हैं उन्हें पता ही है। वैसे ये बाइक पिकअप के लिए नहीं बनी है, ये बस ऐसे समझ लो मज़े के लिए बनी है, लेकिन पहले से तो अच्छा एक्सेलरेट कर रही है BS4 से। तो बाकी यस भाई, एक एक्सपेरिमेंट जो किया था, ओल्ड बुलेट ठीक है, 1984 मॉडल,
1994 नहीं 1996 मॉडल। तो 1996 मॉडल में भाई डुअल स्पार्क, ठीक है, दो स्पार्क प्लग लगाए हैं और मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस कम ही देखने को मिलेगी यहाँ ना के बराबर, जिन्होंने दो दो स्पार्क प्लग लगाए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि भाई ओल्ड बुलेट है, ठीक है, तो वो ज़्यादा तेल पीती है, लेकिन उसमें क्या होता है, तेल ज़्यादा गिरता है लेकिन इतनी ज़्यादा फ्यूल जलता नहीं उसमें, तो बर्न इतनी अच्छा से नहीं, प्रॉपर से नहीं होता। लेकिन जब डुअल स्पार्क हो जाता तो यस इम्प्रूवमेंट हो जाती है उसमें, तो एक्सेलरेट करती है बाइक। और यस भाई उसकी बाइक तो ऐसे समझ लो कि जब क्लच थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, वो बाइक हाथ से निकलती है, ऐसा लगता है जैसे खुद ही भाग रही है। तो बड़ा सही काम है वो, तो चलाकर भी देखिए यार, मज़ेदार है। कल मेरे साथ बड़ा गंदा सीन हुआ, परसों मैं जब जा रहा था यहीं पे अपने ब्रदर के पास, तो मैंने व्लॉग बनाया और बाइक का ये हेलमेट का कैमरा ऑन करना भूल गया, और गधों की तरह बोलते जा रहा हूँ। और जब गया, जब घर पहुँचा ना, तो इतना बुरा लगा यार, पूरा का इतना अच्छा व्लॉग बना था मेरा, बहुत अच्छा। भाई क्या सही चल रही है यार, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वो KTM अपनी जगह, क्योंकि वो स्पोर्ट्स बाइक आ गई, लेकिन इसकी भी भाई कुछ ये अपनी जगह में पूरी यार, इसकी टक्कर नहीं है कोई, सही कह रहा हूँ। इसको चलाने का जो मज़ा है ना, ये फील अलग ही है। KTM को आज के दिन पे करते हैं साइड पे, क्योंकि इससे वो मज़ा आ रहा है चलाने में, पूरा मज़ा आ रहा है। एंड आई स्वेयर सच में यार मज़ा आ रहा है, मतलब पता लग रहा है कुछ हैवी सी बाइक चला रहा हूँ। और शुक्र है आज हमें ये वाले ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन मिल गई, नहीं तो रेड ही मिलती हैं। और बड़ा सही है वे काम भाई, हेलमेट देखो और कच्चा बना रखा है, लोअर है कि कच्चा ही है, तो जो बंदे को पूरी गर्मी लग रही है और ये पूरे कंफर्ट में अपने में हेलमेट को एडजस्ट कर रहा है, अच्छी बात है। चलो ये तो अच्छी बात है, हेलमेट ज़रूरी है, मैं 90% हेलमेट लेकर ही घूमता हूँ, जिसके कारण मैं कई जगह जा भी नहीं पाता, क्योंकि हेलमेट को अपने साथ रखना पड़ता है। लेकिन नो इशू, जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड इस बंदे की पूरी वाइफ है अपनी। और चलो आज मैं इधर आ गया तो आपको मैं स्कूल दिखाता हूँ अपना, यस स्कूल दिखाता हूँ अपना, मैं जहाँ पे मैंने ज़िंदगी के अपने 12 साल हो गए और 15 साल, ज़िंदगी के 15 साल मैंने, 15 से भी ज़्यादा उस स्कूल में ही गुजार दिए। तो ये आ गया, दिखाता हूँ, धीरे कर लेता हूँ मैं, आराम आराम से चलेंगे अब। ये देखो ये है बिल्डिंग, ये स्कूल वाली है, तो ये पीछे तक काफ़ी दूर तक, और फ्रंट इसका इतना बड़ा फिर भी और ये बहुत ही मज़े किए हैं यार यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा। ये देखो कितनी दूर तक जा रहा है पूरे इस, यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, तो ये 2 फ्रंट में है और थर्ड वाली जो ओल्ड बिल्डिंग है वो पीछे है, उसके बाद 2 बड़े बड़े ग्राउंड आ गए, तो बहुत ही इंजॉय किए। और जब 10th में थे तब भाई यहाँ पे सभी इकट्ठे हो जाते थे, यहाँ पे हाँ जो यहाँ पे पंचर वाला, ये देखो यहाँ पे भाई कैंटीन में बैठकर बाहर ही झुंड बना लेते थे, मतलब ऐसा ही होता, अगर हमारे पास 20 रुपये हैं ना तो 5-5 की लस्सी के पैकेट ले लेते थे 4, और उसको इतने ही मज़े से पीते थे, वो अलग ही वाइब थी। अभी तो दिन का 1000 रुपया उड़ा दो वो मज़ा नहीं आता सच में, क्योंकि वो फ्रेंड्स अभी मेरे मोस्टली जो फ्रेंड्स हैं वो कनाडा जा चुके हैं, कुछ और कंट्रीज़ में जा चुके हैं, तो कुल मिला के भाई बोरिंग सी हो चुकी है मेरी ज़िंदगी सच ही कह रहा हूँ, वो मन नहीं लगता। पहले 9th, फिर 10th, फिर +1 और फिर +2,
और उसके बाद भी भाई 2 साल, उसके बाद भी 2 साल भाई पूरे मजे किए हैं पूरे। अभी 1-2 महीना, 1.5 महीना हुआ है फ्रेंड्स को, नहीं नहीं 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ मेरे एक फ्रेंड को गए को 1 महीना हो गया मेरे अप्रॉक्सीमेटली। तो यार सही बात है, तो भाई अगर मेरा ब्रेकअप हुआ ना, मैं समझ लो ब्रेकअप हुआ ना, तो इतना मुझे दुख वो चीज़ का नहीं होगा जितना फ्रेंड के दूर जाने से होगा। सच्ची बड़ा फील होता, तो लोनली लोनली सा फील हो गया तेरे भाई को, सच्ची कह रहा हूँ। और भाई वीडियो को लाइक कर देना या कमेंट कर देना कि जिन जिन को भाई अपनी फ्रेंड्स की याद आती है जो अलग से हो चुके हैं, वैसे तो कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे। कल भी बातें कर रहे थे, तो जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बहुत ही अच्छी हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं, तो इतनी अच्छी से बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वही चीज़ है जो पहले होती थी, फुल बातों बातों में मौज मस्ती करना, ये वो कहते नहीं, जगह नहीं मैटर करती, अब कहाँ पे हो, आपके साथ जो बंदा है ना वो मैटर करता है, फिर मन लगता है। तो मेरे पास जो दोस्त थे भाई उनके कारण छुट्टी मार लेते थे, लेकिन घर पर यार मन नहीं लगता था, यही चक्करों में तो स्कूल आते थे। और भाई साथ आना, यस मैंने मेरी एवोल्यूशन देखो बाइक्स की तरफ से, सबसे पहले मुझे भाई मिला स्कूटर, यस मैंने उसको मॉडिफाई कराया, बहुत अच्छे थे मज़े लिए पूरे 9th से, उसे थोड़ा सा ट्राई करने लग गया था, और 10th में पूरा। और मेरे साथ बंदा है 6 फुट का और वो स्कूटर चला रहा है, उसके सामने छोटी सी साइकिल लगती थी, लेकिन हम दोनों आते थे, और उसकी हमने उसको नाम दिया था उसकी 40 की स्पीड को शाही सवारी, बड़े मज़ेदार से ठीक है, मतलब शान से जाते थे। और वही वो चीज़ थी यार, उसकी रेस लगा देते थे भाई पल्सर के साथ, और पल्सर से जैसे कि उसकी 70 या 80 की स्पीड टॉप स्पीड थी, 80 की टॉप स्पीड थी, तो तब तक तो भाई किसी को साथ रलने नहीं देता था वो, उस टाइम पे वो इतना भागता था। 150 cc इंजन है पल्सर का होगा, 125 या ऑब्वियस ही बात है, तो ज़्यादा cc हुआ और एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा जल्दी करता था। देन 10th का जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन भाई लिया स्प्लेंडर तो स्प्लेंडर को भाई फिर हम वही दोस्त दोनों हम जाते थे और बड़ी मज़े से। तो उसके भाई जो जैसे ना ये देखो कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है हैंडल के पास, लेकिन उसकी तो भाई लातें बीच में घुसती थी हैंडल में, उसकी तो लेग्स इतनी लंबी थी तो बड़ी मुश्किल से चलाता था। लेकिन हाँ भाई एक बात थी भाई, हम ना पटियाले चले जाते थे और वो इतना बड़ा था ना, तो पुलिस वाला कोई रोकता ही नहीं था कि भाई ये तो बड़ा बंदा है वो फेस पे रुमाल हैंकी वगैरह लगा लेता था। तो ये कोरोना से पहले 2 साल पहले हमने ये काम कर लिया था हैंकी वगैरह वाला। स्प्लेंडर के बाद +1 स्प्लेंडर चलाया, और +2 में जब एंटर हुए तो थोड़े टाइम के बाद मैंने ड्यूक ले लिया। और फिर कुछ ऐसी बातें हुई माइंड को स्ट्राइक की, तो मैंने स्प्लेंडर को बेच दिया, यस वो 1 साल चलाकर बेच दिया उसे, तो नया ही लिया था और वो बस बेच दिया। लेकिन उसको मैं मिस करता हूँ, लेकिन वो मेरे पास पॉइंट ही मेरे पास ऐसा था कि मैं उसको बेचना चाहता था, वो उसने कोई धोखा नहीं दिया था, लेकिन माइंड में ऐसी बात आ चुकी थी कि बस इसको बेच देना, तो मैंने बेच दिया। और उसके बाद भाई अब 2 साल हो चुके हैं तो ड्यूक ही चला रहा हूँ, और अब ये आ चुकी है तो कभी बुलेट भी आ जाता है मेरे पास तो